नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वो है बैटरी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमारी इतनी एम्पीयर की बैटरी है, हमें चार्जिंग के लिए कितने एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लेना होगा, कितनी वोल्ट का लेना होगा, कौन सा डायोड लगाना है, कौन सा कैपेसिटर लगाना है, जो हमारा ये कैपेसिटर होता है कौन सा लगाना है। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, बैटरी को आपका जो एम्पियर होते हैं, देखिए यहाँ पर जो एमएच लिखे होते हैं 12 वोल्ट, देखिए 7.5 एमएच इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर अब हमें जो चार्जिंग वोल्टेज है वो कितनी देनी होगी और इसके अंदर कितने एम्पियर तक का हमें ट्रांसफार्मर चाहिए जो इसको चार्जिंग कर सके। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो हम ट्रांसफार्मर लेंगे और इसके अंदर कौन सा डायोड लगाएंगे, कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे और ये फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगा। देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास जो है बैटरी है हमारे पास 8 एम्पियर में, 8 एम्पियर के पास अंदर हमारे पास बैटरी है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जोड़ना है। तो अब देखिए इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब मान के चलिए आपके पास 8 एम्पियर की बैटरी है, तो 8 एम्पियर के आपको आधे कर देने हैं। तो आधे करने के बाद क्या होगा, आपके पास बचेगा 4, 4 से आपको फिर आधा कर देना है, आधे के बाद बचेगा आपके पास 2। तो यहाँ पर जो है आपको 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना है। यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर आएगा वो 2 एम्पियर का आएगा, यानी कि आपको क्या करना है, बैटरी से पहले आधा कर देना है, आधा करने के बाद फिर उससे आधा कर देना है, यानी कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो दोस्तों इसके अंदर बैटरी के हिसाब से जो लगेगा वो लगेगा 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो 8 एम्पियर की बैटरी थी वहाँ पर हमने सिर्फ 20% को घटाया तो हमारा 2 एम्पियर आ गया। तो दोस्तों, दो आपकी जितने भी एम्पियर की बैटरी हो आपको 20% घटाना है। अगर आपको वो भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी 10 एम्पियर की बैटरी है तो वहाँ पर आप जो है 2 से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, अगर 20 से 25% उसको घटाएं। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास 40 एम्पियर की बैटरी है, 40 एम्पियर की आपके पास बैटरी है, तो यहाँ पर आप 20 को अगर 20% में भी इसको कम करेंगे तो यहाँ पर कम से कम आपको 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना होगा। अगर यहाँ पर आपकी जो बैटरी है, जो आपकी बैटरी है वो अगर यहाँ पर 40 एम्पियर में है तो यहाँ पर कम से कम आपको 10 एम्पियर या 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना होगा, यानी कि आप जो है 15 से 20% जो है उसका ट्रांसफार्मर को रख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी दोस्तों, हमारी 0-12 ही रहेगी वोल्टेज हमारी। एम्पियर आप जो है बढ़ा और घटा सकते हैं अपने बैटरी के अनुसार, यानी कि आपकी बैटरी कितने एम्पियर की है उसके अंदर 15 से 20% जो है आप ट्रांसफार्मर को रख सकते हैं और आपका जो बैटरी चार्जिंग है वो 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी बैटरी। बैटरी को दोस्तों कभी भी ये ना समझे कि अगर हम ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो वहाँ बैटरी हमारी जल्दी चार्ज हो जाएगी, उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी बैटरी ज़्यादा गर्म होगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम उसके अंदर 15 से 20% का ही चार्जिंग रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर 4 से 5 घंटे में धीरे धीरे बैटरी हमारी चार्ज हो जाए और उसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा रहे और बैटरी जो है हमारी वो सेफ रहे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जो एक नॉर्मल बैटरी है तो यहाँ पर आप जो है ये देखिए आपके पास, मैं दिल्ली और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारा मैं डिटेल लिख दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप जो है चेक कर सकते हैं सारा, और यहाँ पर भी मैं आप जो है शॉर्टकट में थोड़ा बहुत बता देता हूँ और बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। देखिए आपके पास अगर 5 एम्पियर की बैटरी है, जैसे कि ये 5 एम्पियर में अगर आपके पास बैटरी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे 5 एम्पियर की आपके पास अगर बैटरी है तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा वो लगेगा आपका 2 एम्पियर में, 2 एम्पियर का आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। 2 एम्पियर भी ले सकते हैं आप, 1.5 एम्पियर भी ले सकते हैं, 1.5 एम्पियर में भी चार्ज होगा। यहाँ पर जो आपका डायोड होगा वो होगा 1N5408, यहाँ पर डायोड होगा आपका। यहाँ पर कैपेसिटर होगा 4700 UF 25 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आएगा अगर आपके 5 एम्पियर की बैटरी है। अगर आपकी यहाँ पर 10 एम्पियर की बैटरी है, ये हमारी 8 एम्पियर में बैटरी आ जाती है, 7.5 एम्पियर होती है, तो ये देखिए 10 एम्पियर की अगर आपकी बैटरी है तो यहाँ पर आपको चार्जर यूज करना है 2 से 3 एम्पियर, 2 से 3 एम्पियर का चार्जर यूज करना है। और यहाँ पर जो आपका डायोड होगा
डाइवोड हमारा ये 3 एम्पियर का ही होता है, तो यहाँ पर भी हम ये 5408 ही डाइवोड ले लेंगे। डाइवोड आपको हमेशा अपने ट्रांसफार्मर से ज़्यादा ही रखना है या उसके बराबर रखना है, उससे कम नहीं रखना है, ये हमेशा याद रख लें। और यहाँ पर भी जो हमारा कैपेसिटर है वो हमारा 4700 UF 25 वोल्ट का रहेगा। अब आ जाते हैं 20 एम्पियर। अगर हमारे पास 20 एम्पियर की बैटरी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो कम से कम हमारा होगा 4 से 5 एम्पियर का, यानी कि 5 एम्पियर का कम से कम हमारा ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पर अगर 20 एम्पियर की बैटरी है। और यहाँ पर जो हमारा डाइवोड है वो लगेगा हमारा 10A10, तो ये हमारा डाइवोड होगा 10A10। ये 10 एम्पियर का होता है, ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो गया, 10 एम्पियर भी काम करेगा। डाइवोड आपका जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, बस कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 5 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4700 UF के और 25 वोल्ट, यहाँ पर जो कैपेसिटर है आपको पैरेलल में लेने होंगे, यानी कि ये जो कैपेसिटर है हमारे ये पैरेलल में कनेक्शन करने होंगे आपको, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस, तो उससे क्या होगा कैपेसिटर की MFD बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो है 5 एम्पियर पे जो आपका कैपेसिटर है वो काम कर जाएगा, जो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखिए इसके अंदर आपके पास 40 एम्पियर की बैटरी है, 40 एम्पियर की बैटरी है, तो यहाँ पर आपको 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना होगा। यहाँ पर जो आपका डाइवोड लगेगा वो लगेगा 25 10 25 10, डाइवोड जो है हमारा वो 25 एम्पियर का होता है। और यहाँ पर देखिए 10 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पर आपको कम से कम 10000 MFD का कैपेसिटर लेना होगा UF का, और वोल्टेज आपकी 25 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर 10000 हो गया, लेकिन अगर किसी के पास 10000 MFD का कैपेसिटर नहीं है, ये 10000 हो गया हमारा, अगर 10000 कैपेसिटर का आपके पास MFD का कैपेसिटर नहीं है, तो आप देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कैपेसिटर को इस तरीके से पैरेलल में जोड़ देना है, ये पैरेलल में जुड़ जाएंगे तो वोल्टेज सेम रहेगी और जो MFD है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से आपको जो है इनके कनेक्शन करने हैं, यानी कि वोल्टेज आपकी सेम रहेगी। जब पैरेलल में हम किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम रहती है और जो MFD है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप 10000 तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4700 है, 4700 है, तो ये हमारा 9000 कुछ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 3 कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम MFD को बढ़ा लेते हैं और वोल्टेज हमारी सेम रहती है, और जब हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज हमारी डबल हो जाती है और जो MFD है वो बराबर उतनी ही रहती है जितनी एक कैपेसिटर की होती है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर हमारे काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने इतना जो है लिख दिया है, और जो आपको कुछ ज़्यादा अगर इसके अंदर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पर जाके आप जो है सारी चीज़ें डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी कितने एम्पियर की बैटरी पे कौन सा डायोड है, कौन सा कैपेसिटर लगेगा और कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है एक जो है ट्रांसफार्मर से ब्रिज लगा के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर आता है, रेड वायर आपकी AC वायर होती है, और जो ब्लू वायर या यहाँ पर कोई से भी कलर की वायर होती है वो आपकी ये हमारी जो AC वायर होती है। लेकिन जब हम इसको डाइवोड से कन्वर्ट कर देते हैं ब्रिज लगा के, तो यहाँ से DC वायर हो जाती है। तो इसके देखिए हमारे जो कनेक्शन है वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे डाइवोड होंगे, तो ये देखिए ये हमारा डाइवोड, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो देखिए अब ये डाइवोड जो है हमारे इस तरीके से लगे हुए हैं, ये इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये जो हमारे डाइवोड हैं, ये देखिए इसके अंदर जो सिल्वर कलर की जो लाइन आ रही है ये जिसे हम कैथोड बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो मैंने लाइन खींची है ये हमारी सिल्वर वाली है, ये वाली लाइन, ये देखिए। तो ये अब क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए जो सिल्वर वाली लाइन दो एक साइड में जो आ रही है ये हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव हो गया, ये वाला जो है हमारा नेगेटिव हो गया, और ये वाली वायर और हमारी एक ये वाली वायर, ये हमारी दोनों ट्रांसफार्मर की हो गई। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की जो ब्लू वाली वायर है वो हमारी दोनों एक यहाँ पर आ जाएगी, जिसे हम AC वायर बोलेंगे 012, ये हमारी 012 हो गई, AC वोल्ट यहाँ पर लग जाएगी, और हमारी डाइवोड से जो है फिर हमारी माइनस प्लस पे चल जाएगी और यहाँ पर जोड़ देंगे हम कैपेसिटर को।
तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट हो जाएगा कैपेसिटर का, यहाँ पर पॉजिटिव वाला, जो हमारा ये कैपेसिटर है ये इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो ब्रिज बनता है, ब्रिज बनने के बाद हमारा जो डीसी, जो हमारा चार्जर है वो तैयार हो जाता है। और हमारे पास जो एक डायबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि जो आप जो 35-10 या 25-10 डायबोर्ड लेंगे उसके अंदर जो है यहाँ पर देखिए प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर एसी इसका साइन इस तरीके से होगा, यहाँ पर चार पीने होंगे। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों कनेक्शन हो गए हमारे ट्रांसफार्मर के एसी वाले, जहाँ पर 0-12 की वायर है, ये वाली जो हमारी ब्लू वाली वायर है ये दोनों यहाँ आ जाएगी, और ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा बैटरी चार्जर। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारे कनेक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के, और ब्रिज बनाया जाता है। तो ये वाले डायबोर्ड का ही बता दिया मैंने, ये वाले डायबोर्ड का ही बता दिया। तो इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा जो है हमेशा 0-12 ही रहेगा कोई भी बैटरी के अंदर, लेकिन उसके एम्पियर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।